हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आल्सो वेलकम टू चंडीगढ़। जी हाँ, आज हम लोग ना चंडीगढ़ निकले हैं और आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा हो गया है। चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते हमको हो गई है रात और फिर भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू, क्योंकि रात का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। बिल्कुल खुली रोड्स, शांत, और चंडीगढ़ जो सिटी है वो ऑब्वियसली बहुत शांत भी है। ज़्यादा मतलब ग्रीनरी ज़्यादा है तो आपको अच्छा लगता है, वाइड है, शांत है एंड क्लीनेस्ट सिटी भी है। तो अवतारू जी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए जी, हम अपने होटल पहुंच गए थे। वहाँ पर जो एक्वेरियम था, अवतारू उसके सामने खड़ा हो गया क्योंकि उसको अंदर इतनी सारी फिश दिख रही थी। तो बस अभी तो यही था क्योंकि इसका फर्स्ट डे था चंडीगढ़ आने का, और तो ये फिश को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। और आप देख सकते हैं इसके फेस में कितनी ज़्यादा स्माइल है। और जैसे ही अंदर हुआ, रूम में एंटर ही, काफ़ी खुश हुआ और सब जगह देख रहा था कि मैं कहाँ आया हूँ। और सबसे पहले जाता है तो लाइट्स ही चेक करता है, तो इसको ये आदत है लाइट्स चेक करने की। हम इसको हमेशा बोलते हैं कि जब तो स्कूल भी जाएगा ना अवतारू, बस ये अपनी लाइट्स चेक करने का जो काम है ये बंद कर देना। और आप वहाँ देख सकते हैं कितना शांत माहौल है, रात का वक्त है और अवतारू ना लैंडलाइन बार बार उठा रहा था। इसने फर्स्ट टाइम देखा और ये देख रहा था ये क्या चीज़ है और इसे क्या होता है। मतलब टॉटल्स आपको पता है ना कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हर चीज़ को लेकर, तो इसको है, ये हर चीज़ को नोटिस करता है। और वहाँ पर नंबर्स डायल कर रहा था बार बार, उनको कॉल भी कर रहा था। हम इसको मना कर रही थी कि आपकी पिटाई हो जाएगी, तो मुझे भी सुन रहा था बीच में। और फिर इसने फ़ोन रख दिया वापस, फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाता इसको चेक करता। और लाइट्स का भी यही था, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये लाइट्स को भी चेक कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह हमारी हो रही है चंडीगढ़ सेक्टर 22 और हम ना निक बेकर्स के सामने खड़े हैं। तो शाम को यहाँ स्टे किया था, लेट हो गए थे। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आए थे थोड़ी बहुत। और मुझे ना काफ़ी साल हो गया है चंडीगढ़ आके, तो यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जहाँ पर आप काफ़ी साल रहे हो, 8 ईयर्स में यहाँ रही हूँ और मुझे चंडीगढ़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, थोड़ी बहुत घूमेंगे। बच्चे को भी आउटिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको पता है सीज़न के बाद पहाड़ियों का यही काम होता है कि वो आते हैं, शॉपिंग करते हैं और थोड़ा बहुत घूमते हैं, पैसे उड़ाते हैं, तो यही सब करने हम भी आए हैं। तो जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारी थी वो था सेक्टर 17 और आप देख सकते हैं हम काफ़ी जल्दी आ गए थे। अभी शॉप्स भी नहीं खुली है पर यहाँ पे खुला है और अवतारू के लिए भागने दौड़ने के लिए काफ़ी अच्छा था। और देखिए, बर्ड्स को देखकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और इनको बार बार भगा रहा था, ही वॉज सो हैप्पी। और बच्चों को देख के मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, आपको मेरी आवाज़ में भी वो खुशी नज़र आ रही होगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि हाँ, अवतारू बाहर निकला है और आया है। तो आप देख सकते हैं ये हर जगह भाग रहा था, इन बर्ड्स को बार बार उड़ा रहा था, तो इसने ना काफ़ी इंजॉय किया ये जो हमारा विज़िट था चंडीगढ़ का। और बड़े होकर तो जाते ही हैं बच्चे, जब इनकी अपनी लाइफ होगी, पर्सनल होगा, बट अभी बचपन में जब जाते हैं पेरेंट्स के साथ, मतलब आई एम ये बहुत इतनी बड़ी बात तो नहीं है, बट आई एम गेटिंग सो मच इमोशनल एंड अटैच्ड कि हाँ आया और फर्स्ट टाइम आया था। फर्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ होती है मुझे लगता है कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और हैप्पी, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये ना काफ़ी देर तक ये सब करता रहा और मैं इसको कैप्चर करती रही, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये। ही वॉज सो हैप्पी एंड ही वॉज इन्जॉइंग अ लॉट। तो जी, नेक्स्ट हम लोग जो थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर ये काफ़ी आगे निकल गया था भागकर, और इसके पापा गए इसको ढूंढने क्योंकि इसका है ये ना, फिर खुला था तो ये जा रहा था, दूर दूर तक भाग रहा था, इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो बस इसके फादर जो है इसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा अपना बालों का कुछ स्पा वगैरह ले लेती हूँ। हम गए 15 सेक्टर और वहाँ पर मैंने अपना स्पा कराया क्योंकि 15 सेक्टर यार पुरानी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो जी, ये है मेरी फाइनल लुक, थोड़ा सा अपने ऊपर
इन्वेस्ट किया और थोड़ा सा अपना लुक चेंज किया, तो गांव जाकर वही दोबारा से वही पहाड़न प्रिया हो जाएगी। अभी थोड़ी सी शहर की लड़की बन तो इसके बाद हम लोगों को ना भूख लग गई और हम आए सिंधीज खाना खाने। और क्योंकि सिंधीज काफ़ी पुराना है और वहाँ की थाली मुझे काफ़ी पसंद है, तो आई वॉज़ लाइक हम सिंधीज जाएंगे। और मैं बता नहीं सकती, इतना चेंज आ गया है, इतनी डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। सिंधीज जाकर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो भूल ही गई थी, मतलब भूल तो क्या, बहुत चेंज हो गया था ये, इन्होंने अपना सब कुछ चेंज कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लांट्स पीछे लगे हैं और काफ़ी लाइट्स इतनी सुंदर है एंड वेरी नाइस। तो हम लोग गए और इनकी जो स्पेशल थाली थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। पंजाब का खाना तो आपको पता है हमेशा अमेजिंग ही रहता है, मुझे काफ़ी पसंद है। फिर हम गए शॉपिंग करने और ये देखिए अवतारू ना बहुत हरकतें कर रहा था, कहीं कहीं जा रहा था और इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर घुस गया है ये ट्रायल रूम में, अभी आप देखते रहना। मतलब बच्चे के साथ फर्स्ट टाइम बाहर निकले, बहुत इंजॉय भी करते हैं और बच्चा तंग भी काफ़ी ज़्यादा करता है। तो ये कभी ट्रायल रूम में घुस जाता, कभी जहाँ पे आपके शूज़ रखे होते हैं वहाँ पे घुस जाता है। तो ये हरकतें ये कर रहा था, बट इट वॉज फन। मैं और अवतारू इस वक्त गाड़ी में बैठे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और विकी गए हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, तो अब उनका वेट करते हैं क्योंकि अवतारू बाहर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और आज मैंने अपने लिए कुछ सामान लिया है बहुत स्पेशल, दिखते हैं अब कितना किफ़ायती है वो। तो अवतारू ना फाइनली सो गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो मैं इसके साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और ये गाड़ी में सो गया था। सो के उठने के बाद मैं अवतारू को ले गई वहाँ पर फाउंटेन के पास, जो कि बहुत सुंदर था। और बच्चों के लिए वहाँ पर सेक्शन बना हुआ था, मतलब बच्चे अंदर जा सकते थे, पानी में खेल सकते थे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो अवतारू को मैंने भेजा नहीं, वो जाना काफ़ी चाहता था क्योंकि मेरे पास दूसरे कपड़े उसके लिए चेंज करने को नहीं थे। तो मैंने इसके लिए एक स्माइली बलून ले लिया जो कि हीलियम गैस का होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर को उड़ता है। उन्होंने इसके हाथ में बांध लिया, तो काफ़ी खेल रहा था अवतार उसको लेकर। और ये तीन बलून जो है ये कहीं और से लेकर आया था। तो मेरा झल्लू ऐसा है कि एक बार मैंने इसको खींच के पकड़ दिया था पर दूसरी बार इसने छोड़ दिया। लुक एट हिम नाउ, ही इज़ लाइक मम्मा बू मम्मा बू। मैंने कहा बू तो गया, और वो गया भी इतना दूर। फिर दोबारा से आप देख सकते हैं एक और स्माइली उन भैया ने दिया है इसको, उन्होंने देखा कि इसने उड़ा दिया है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है शाम के टाइम यहाँ पर ना, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमने इंजॉय किया, बट अवतारू तो अपने बलून को लेकर था, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ हुआ। तो उसको एक और बलून दिया उन्होंने, फिर उन्होंने देखा और इसके हाथ में बांध दिया कि अब मत छोड़ना। पर भाई बच्चे तो बच्चे, इसको हाथ में बंधा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये भी इसने उड़ा दिया। उसके बाद मैं इसको लेकर गई 16 सेक्टर, क्योंकि वहाँ पर जो पार्क है बच्चों को खेलने के लिए, मुझे लगा थोड़ी देर में इसको वहाँ ले जाती हूँ क्योंकि शॉपिंग करके ये तो बोर हो गया, इसका तो कोई काम नहीं था। फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और मैं गई थी रिक्शा में। तो फिर मैंने इसको वहाँ पर बच्चों के बीच छोड़ दिया, और यह इसका फर्स्ट टाइम था इन झूलों में खेलने का, तो पहले तो मुझे इसको सिखाना पड़ा, थोड़ा सा खुद भी जाना पड़ा। उसके बाद इसने सीख लिया और ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था बच्चों के साथ। और आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची राइड्स ले रहा था, और ये जो पजल टाइप्स ये गेम स्लाइड्स होती है इसमें जा रहा था कि यहाँ से स्टेयर से मुझे ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे जाना है। और वहाँ के जो बच्चे थे वो भी इसके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, तो हमने काफ़ी देर तक यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और अवतारू तो बहुत ज़्यादा खुश था।